बोलियो ना भाई बीच में। चलो जी साथियों नमस्कार। साथियों हम आज गाजीपुर में आए हैं, ये टिकैत साहब बैठे हैं और जिन्होंने बड़ा उस दिन सूझबूझ का परिचय दिया और बड़े दम से मुकाबला किया। यहाँ पे हजारों पुलिस वाले थे और दो MLA कई सौ अपने गुंडों को साथ में लेके आए थे और बड़ा इन्होंने दमखम से मुकाबला किया। और हम धन्यवादी हैं टिकैत साहब के जिन्होंने इस आंदोलन को जो एकदम निराशा जाग गई थी उसमें दोबारा से इसमें जान भर दी। और हम वादा करते हैं कि हरियाणा का किसान इन भाइयों के लिए जी जान से काम करेगा और कोई भी मुसीबत आए तो हम सब पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और टिकैत साहब जो है वो इनको आश्वासन देते हैं कि पूरा देश जो है इस आंदोलन में इकट्ठा है। एक मिनट के लिए टिकैत साहब, ये जो आंदोलन चल रहे हैं किसान क्रांति के, गाजीपुर का आंदोलन हो, भैंसा का आंदोलन हो, वो जितने भी आंदोलन हमारे हैं, सिंघू का हो, जो भी आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ कुछ चले हुए हैं, पूरा देश के किसानों की नजर इस आंदोलन पर है। दिल्ली के आंदोलन वो स्थान कोई भी हो सकता है। हरियाणा वालों की जिम्मेदारी है, पूर्व मुखिया बोलते हैं कि जो हरियाणा की साइड में वोट लगते हैं उनको वहाँ से पीछे से बैकअप दें, उत्तर प्रदेश वाले यहाँ से बैकअप दे रहे हैं और आपस में एक दूसरे का जो तालमेल है, कहाँ किस चीज़ की जरूरत होती है, कहाँ लोगों को भेजना है, वे एक दूसरे से संपर्क में सब लोग हैं। और ये ना आंदोलन खत्म होगा ना देश आंदोलनकारी खत्म होगा, किसानों की जीत होगी और किसान सम्मान के साथ में यहाँ से वापस जाएगा। भारत सरकार से हमारे यहाँ के किसान बातचीत करना चाहता है, सरकार अगर बात करनी है तो सरकार बात कर ले और जो इशू है, जो मुद्दे हैं हमारे, वही हमारे मुद्दे रहेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, वे बात कर लें। ना आंदोलन खत्म होगा ना आंदोलनकारी खत्म होगा। राकेश टिकैत, किसान क्रांति, गाजीपुर, दिल्ली।